Most intriguing figures of our time. She was born in a feudal lord family in the East and educated in the preppy West. She's a product of privileged environment, yet she chose, like Gautama Buddha, a life of treacherous public service. She is visiting South Florida now. She is first female head of the Muslim state, former Prime Minister of Pakistan, Benazir Bhutto. And let's hear what her views are. Thank you, Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Mere bhaiyon, behno, friends of Pakistan ke ohdedar, assalamu alaikum. Mujhe bahut khushi hai ki Allah Taala ne ye mauka faraham kiya ki main Miami aa sakun aur apne Pakistani bhaiyon aur behno ke saath mil sakun aur maujooda siyasi surat-e-haal par kuch tabadlae khayal bhi karun. मगर सबसे पहले मैं मिस्टर सलीम मिठा जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के सरबराह हैं उनका शुक्रिया अदा करने चाहती हूं कि आपने मेहनत करके इस फंक्शन का एहतमाम किया है और मुझे ये मौका फ्राहम किया है. मेरे भाइयों और बहनों, मैं पिछले महीना अमेरिका आई थी. अप्रैल का महीना था. मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गई थी, वहाँ मुझे एक तकरीर करनी थी. वेमेन लीडरशिप पर मुझे दावत दी गई थी. एक यूनिवर्सिटी एटमोसफियर था और क्योंकि मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी और मुझे ये दावत मिली तो मैं सोची कि चलूँ नई नस्ल को बताएं कि हमारे ज़माने में क्या होता था, क्या जद्दोजहद हम करते थे. फिर उधर से मैं कैनेडा गई जिधर एक और फंक्शन, वो भी ख़वातीन क़यादत पर फंक्शन था, उस फंक्शन में शिरकत गई. फिर मैं पोर्चुगल गई और पोर्चुगल के अंदर एक और फंक्शन था जिधर मेयर ऑफ पोर्चुगल ने, मेयर ऑफ सिंट्रा ने मुझे दावत दी थी कि आप आकर के हमारे शहर से मुखातिब हों. फिर मैं लंदन गई, मेरे कुछ प्रोग्राम्स वहाँ बन रहे थे. एक सीएनएन का प्रोग्राम था जो 2-3 महीने पहले थे और एक रेडियो आइलैंड का प्रोग्राम था जिधर मुझे बताया गया था कि ये सदी के जो मशहूर खातून हैं उनके ऊपर हम प्रोग्राम बना रहे हैं. तो ऐसे मेरा प्रोग्राम था और मैं काफ़ी मसरूफ थी. एक सूटकेस लेकर के चले गई थी क्योंकि मेरा ख्याल था कि 2 हफ्ते ये 3-4 मुल्कों का दौरा करके वापस चले जाऊंगी. तो मुझे याद है कि मैं सीएनएन के दफ्तर में पहुंची थी जब मुझे एक ख़बर मिली और वो ख़बर ये थी कि हमें प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरियट से मालूम हुआ है कि कल आपको सज़ा मिल रहा है. तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता क्योंकि कार्रवाई चल रही है और मेरे को जो जज कार्रवाई कर रहा है तो उसने तो मुझे डिफेंस विटनेसेस का मौका भी नहीं दिया है. मैं सुप्रीम कोर्ट गई हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मेरा अपील है. फिर भी मैंने कहा एहतियातन कि मैं फ़ोन करती हूँ और मैं मालूम करती हूँ अपने वकील से कि क्या कुछ हुआ है. तो वकील ने कहा नहीं, आपकी तो अपील सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है कि आपके लिए डिफेंस विटनेसेस होने चाहिए और आसिफ जरदारी साहब को तो 3 विटनेसेस की जो इजाज़त मिली है, एक तो गवाह कल स्विट्जरलैंड से आ रहा है बताने के लिए कि ये जो आप स्विट्जरलैंड कहते हैं ये सब तहकीकात है, ये सबूत नहीं है कि पाकिस्तान ने एक इल्ज़ाम लगाया है. इल्ज़ाम की तहकीकात हो रही है. हुकूमत पाकिस्तान ये तासुर दे रही थी कि स्विट्जरलैंड में मुकदमा हो चुका है और इन लोगों के खिलाफ ये स्विस का अदालती फैसला, तो ये नहीं हो सकता. नेक्स्ट मॉर्निंग आई गॉट अप और वही फैसला हुआ. फिर मैंने दोस्तों के साथ, रुफकार के साथ मशवरा की. पार्टी वालों ने मेरे को कहा कि आप ठहरें जब तक आपका अपील दर्ज होता है. फिर जब आपका अपील दर्ज होता है तो फिर आप वापस पाकिस्तान आ जाएं. तो मैं दुबई चली गई, अपने बच्चों के साथ इंतज़ार कर रही थी जब आसिफ जरदारी साहब को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया. अभी मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के खावन हैं और एक इलेक्टेड सेनेटर हैं कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है जिसका नाम हर अखबार वाला लेता है. अगर किसी को लोग नहीं जानते तो ज्यादा आसान है उनको लेकर के ज्यादती और जुल्म करना. खुफिया ज्यादती और जुल्म करना, अंधेरे में ज्यादती और जुल्म करना एक चीज है, मगर दिन के रोशनी के अंदर दुनिया के सामने जुल्म करना वो कोई और चीज है. और उसके बाद मैंने फैसला की कि मैं फिलहाल बाहर नहीं जाऊंगी. मैं पहले चाहती हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी से, मैं जो ओवरसीज कम्युनिटी है उनको पहले हम मोबिलाइज करें क्योंकि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं इसकी नवीयत कुछ और है. इसलिए एक लड़ाई होती है जो मार्शल लॉ के खिलाफ होती है, जो आमरियत के खिलाफ होती है, और दूसरी लड़ाई होती है जो सियासी लड़ाई है कि पार्लियामेंट के अंदर कभी कोई होता है, पार्लियामेंट के अंदर कभी कोई और होता है. तो आप मुल्क के अंदर रह करके करते हैं मगर इस लड़ाई के अंदर, जिधर मुल्क के अंदर आज़ादी नहीं. और अगर आप देखेंगे कि ये मंसूबा खाली बेनज़ीर, ये मंसूबा आप मत सोचें कि बेनज़ीर के खिलाफ है,
या पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। ये जो मंसूबा है ये वफाक पाकिस्तान के खिलाफ है और ये पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ है। आखिर में पाकिस्तान के अवाम को हक होना चाहिए कि अगर वो नवाज शरीफ को नहीं चाहते हैं तो मुतबादला क्यादत उनके लिए हो, मगर ये लोग पाकिस्तान का अवाम का हक छीनने चाहते हैं कि आपके पास मुतबादला क्यादत मौजूद नहीं होगा और आपको हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के अवाम का हक है कि वो अपने पसंदीदा रहनुमाओं को वोट दें, मगर जब वो कहते हैं कि आप इलेक्शन नहीं कर सकते, आप सिलेक्शन करें कि हम सिलेक्ट करेंगे कि ये पैनल ऑफ गुड हैं, इनमें से आप करें जो हमें राजी हैं, तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान के अवाम से हक ले रहे हैं। और जब आप अवाम से हक लेने पर रास्ते पर चलते हैं तो आप एक पूरे ढांचे के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि जब ही लोग आजादाना वोट दे सकते हैं और लोग आजाद इजहार कर सकते हैं तो आजादी का फिजा होता है, मगर जब आप शुरू करते हैं कि आजादी का जो बुनियादी ईंट है उसको आप हटा देते हैं तो वो पूरा ढांचा गिर पड़ता है। तो जो सिलसिला इन लोगों ने शुरू किए थे इसका इल्म हमें किसी ने 2-2.5 साल पहले कहा था और हमें यकीन ही नहीं आया। किसी ने कहा था कि नवाज शरीफ और उसके खानदान ने लाहौर के अंदर, लाहौर में नहीं रायबन में जिधर वो शिफ्ट हुए हैं, उधर उनका एक इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर उन लोगों ने फैसला किया कि हमें सोहार्तो जैसे 20 साल के लिए हुकूमत करना है। यानी उन लोगों ने यह नहीं कहा कि जियाउल हक जैसे 11 साल के लिए हुकूमत करना है, उन लोगों ने कहा कि हमें 20 साल के लिए सोहार्तो जैसे हुकूमत करनी है। और आप लोग जानते हैं कि सियासत के अंदर सोहार्तो के पूरे खानदान ने जो इकोनॉमी के कमांडिंग हाइट्स थे वो पूरा काबू कर लिए थे। तो इनका मकसद था कि हम 20 साल के लिए पॉलिटिकल पावर चाहते हैं और हम फाइनेंशियल पावर चाहते हैं। और उन लोगों ने कहा कि हमें खतरा 5 तरीके से हो सकता है। हमें खतरा ऑपोजिशन यानी पीपल्स पार्टी की तरफ से हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, हमें खतरा प्रेसिडेंट की तरफ से हो सकता है, क्योंकि उन जमानों में 8वीं तरमीम थी जिसके तहत प्रेसिडेंट हुकूमतों को हटा सकता था। नंबर 3, उन लोगों ने कहा कि हमें खतरा ये आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के सियासत के अंदर कई अरसे, तवील अरसे के लिए फौज का एक रोल या किरदार रहा है। 4वां, उन लोगों ने कहा कि हमें खतरा अदलिया से हो सकता है। 5वां, उन लोगों ने कहा कि हमें खतरा प्रेस की तरफ से हो सकता है। तो इन लोगों ने ये 5-पॉइंट प्रोग्राम बनाए कि पाकिस्तान का जो तसव्वुर कायद आजम ने बरसगीर के मुसलमानों को दिया था उसको खत्म करने के लिए और अपना जो विजन था या ताबीर था वो ले आने के लिए इनकी कोशिश थी। कोई यकीन नहीं कर सकता था, मगर अगर आप 2.5 साल को देखें, इन लोगों ने खास कानून बनाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वही सुनेगा जो सैफुर रहमान कहता है, उसको प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में दाएं। चले, जो कुछ हमारे साथ हुआ वो तो आप सबके सामने एक खुली कहानी है तो मैं उसमें नहीं जाने चाहती हूँ, मगर आपने देखा कि हमारे खानदान में किसी को नहीं छोड़ा। मेरे माँ के खिलाफ केसेस, मेरे ऊपर केसेस, जरदारी साहब के ऊपर केसेस, जरदारी साहब के बाप के ऊपर केसेस, उसके भाई के ऊपर, ब्रदर इन लॉ के ऊपर, हर एक के ऊपर केसेस। हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी, पॉलिटिकल सेक्रेटरी, नौकर, जो भी हमारे इर्द गिर्द हैं उनके खिलाफ किए। ये तो आप लोगों की दुआ है कि अल्लाह ताला ने हमें यह हिम्मत दी कि हम मुकाबला कर रहे हैं, मगर फिर आपने देखा लगारी, और लगारी हमारा दोस्त नहीं, हम उसके हक में क्यों बोलें, उसके हक में नहीं बोल रहे हैं, मगर हम आपको ये प्लान का इंकशाफ कर रहे हैं कि इस प्लान के तहत उन लोगों ने नेक्स्ट प्रेसिडेंसी का 8वीं तरमीम खत्म कर लिया। उसके बाद उनने अदलिया के ऊपर जो किया, पाकिस्तान के तारीख में आपको ये नहीं मिलेगा कि हुकूमत बसेस ले आए और बसेस के अंदर लोग जा करके अदालत के ऊपर हमला करें। एक अदालत के कमरे के अंदर जज बैठा है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ रिश्वत की सबूत ले रहा है, उसके साथ और जजेस बैठ रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है, इस्लामाबाद के अंदर लोगों को जमा करना मुश्किल होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इतना बड़ा है कि एक मजमा करना उसे, मगर नहीं, बसेस के अंदर लोगों को लाया गया और फिर टेलीविजन पर दिखाया गया। ये भी नहीं कि अंधेरे में करें, ये कि बदतमीजी और बदतमीजी दुनिया के सामने
इंसल्ट करने के लिए कि आप कर क्या सकते हैं। हाँ, हम कानून को फाड़ रहे हैं, मगर आप कर क्या सकते हैं। लोगों को बेबस बनाने चाहते हैं और उनको कह सकते हैं कि हम कहने चाहते हैं कि हम सब कुछ हैं, और ये उनकी गलत फहमी है। दुनिया के सामने टेलीविजन पर दिखाएं कि ये हमारे वजीर हैं, काबीना के अराकीन अंदर जा रहे हैं, क्राउड को कह रहे हैं चलो चलो, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर इशारा कर रहे हैं कि आप अंदर आए। और फिर चीफ जस्टिस को भागना पड़ा, जजेस को भागना पड़ा, और किसी को कोई सजा मिल नहीं सका। इसलिए हुकूमत तो अपने खिलाफ गवाही पेश तो नहीं करेगी। फिर उनके अपने पपेट को प्रेसिडेंट बनाए, जस्टिस तारर को। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, उसने जस्टिस तारर के नामजदगी के कागजात को मुस्तरद किया, क्योंकि उसने कहा कि आपने ये तकबीर में इंटरव्यू दिया है जिसमें कहा गया है कि जज दहशतगर्द है। उसने कहा हाँ, मैंने ये इंटरव्यू दिया है। तो जब उसने कन्फ्रंट किया कि आपने तकबीर रिसाले को ये इंटरव्यू दिया है जिधर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, और उसने सबके सामने तस्दीक की, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आई हैव नो चॉइस और आपके पेपर्स मैं रिजेक्ट करता हूं। क्या हुआ, तारर गया? नो, तारर प्रेसिडेंट बन गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गया। जो सच के लिए बोलता है, जो कानून को बुलंद रखता है, जो पाकिस्तान का सोचता है, जो पाकिस्तान के मेहनत कश अवाम का सोचता है, उनको निशाना बनाया जाता है। प्रेसिडेंट चले गए, उसके बाद इन लोगों ने, जहांगीर करामत ने तो नवाज शरीफ को बचाया। जब प्रेसिडेंट के साथ उनकी मुहाज अराई हो रही थी, तो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाहर मुल्क थे, दोनों प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने उनको फोन किया कि आप आ जाएं, कुछ हमारा मसला यहाँ चल रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ गए, दोनों से मिले, फिर उसने कहा कि देखें ये मामला इतना बढ़ गया है कि मेरा मशवरा है कि आप एक हफ्ता का इंटरवल कर लें, क्योंकि अगर एक हफ्ते का आप इंटरवल करेंगे तो फिर जरा जज्बात ठंडे हो जाएंगे और ठंडे मिजाज के साथ हम मामले को आगे ले जाएंगे। मगर उस एक हफ्ते के अंदर नवाज शरीफ ने ब्रीफ केसेस चलाया और पता नहीं और कुछ क्या किया, और मामला तब्दील हो गया। मगर वो एक हफ्ता नहीं मिलता तो नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं होती। जहांगीर करामत नवाज शरीफ को हटाने चाहता था तो उस वक्त हटा देता, जहांगीर करामत को मार्शल लॉ लगा देता तो पहले लगाता और फिर बाद में नवाज को कहता, मगर वो कुछ करने नहीं चाहता था। उसने एक नेवल फंक्शन में वही बात की जो पाकिस्तान के सहाफी कर रहे थे। उसने कहा हुकूमत को एडहॉकिज्म खत्म करना चाहिए, हुकूमत को इंतकामी कार्रवाई खत्म होनी चाहिए, और हुकूमत को हुकूमत करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान के अंदर और बाहर एक बहरान पैदा हो रहा है, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बहरान है द कॉल जहांगीर करामत, वो पाकिस्तान के एक्सटर्नल थ्रेट से भी ज्यादा है। उस पर कहने के लिए कि आपने क्यों कहा, ऐसे राय क्यों आपने दी, उसको सैक किया गया, और अनसेरेमोनियसली सैक्ड कि हमें कुव्वत बर्दाश्त नहीं। इसलिए एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर क्रिटिसिज्म होते हैं। आप यहां रहते हैं, आप देखते हैं अमेरिकन टेलीविजन पर हर रात लोग हजार चीज कहते हैं, मगर किसी को सैक नहीं किया जा सकता। इस तरीके से अपना राय देने के लिए इन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सैक नहीं किया जाता। सो ही वेंट टू, उसके बाद ऑफकोर्स प्रेस के खिलाफ शुरू हो गए जंग। अच्छा, प्रेस के खिलाफ आप देखें कि पहले मुस्लिम अखबार को इश्तियार नहीं दिए, इश्तियारबाजी खत्म कर लिए, मुस्लिम अखबार बंद हो गया। उसके बाद उन लोगों ने जंग पब्लिकेशंस को निशाना बनाया कि अगर आप इन 14 सहाफियों को निकालेंगे तो आप अच्छे लोग हैं, मगर अगर आप उनको क्या कहा गया कि आप 14 सहाफियों को निकालें और साथ साथ आप नवाज शरीफ और उनके खानदान के रिश्वत के बारे में नहीं लिखेंगे, आप गवर्नर्स रूल के बारे में नहीं लिखेंगे, आप पीपल्स पार्टी को प्रोमिनेंट कवरेज नहीं देंगे, यानी बड़े कॉलम्स वो नहीं देंगे, अंदर देंगे इस किस्म की, और बाकी जो आपकी मर्जी। और जब जंग अखबार ने इनकार किया तो कहा फिर हम कहेंगे कि आप इनकम टैक्स के चोर हैं। और जब उन लोगों ने कहा हम अदालत जाएंगे, उसने सैफुर्रहमान को इतनी जरूरत हुई कि उसने कहा कि कोई जज का बाप भी तुम्हें मदद नहीं करेगा। ये उसका जब, ये सब रिकॉर्ड की बातें हैं और ये सब 2.5 साल के अंदर हुआ है। तो मुस्लिम जंग न्यूज, उसके बाद फ्रंटियर पोस्ट, उसके ऊपर ड्रग का चार्ज लगा दिया।
50 लाख की गाड़ी चला रहा है और उसके ऊपर लगाया इल्जाम कि तुम 10 लाख के ड्रग्स की कारोबार कर रहे हैं। फिर फ्रंटियर पोस्ट के बाद फ्राइडे टाइम्स, और किस किस्म की गिरफ्तारी कि बीवियों के सामने खावंदों को मार करके गिरफ्तार करते हैं। ये क्या इंसानियत है? क्या पाकिस्तान की 50th एनिवर्सरी के बाद हम इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स ने हर वक्त यूनिटी और फेथ और डिसिप्लिन और इखलाक की बातें की थी, और हम समझते हैं कि जुल्म और जबर के साथ और गैर इंसानी हरकतों के साथ हम राय आमा को काबू कर सकेंगे, हम अपने लोगों को गुलाम बना सकेंगे। इस पूरे वक्त में जो कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेहनत की, जितने भी पाकिस्तान के अंदर जदीद तरीन इनकलाब आया है वो पीपल्स पार्टी ने ले आए। खा भुट्टो साहब ने अपने जमाने के अंदर रेडियो स्टेशन दिए, रेडियोज, वो चीप रेडियोज दिए, नहीं तो पाकिस्तान के अंदर रेडियो भी नहीं मिलता था, पाकिस्तानियों के पास पासपोर्ट भी नहीं मिलता था, भुट्टो साहब ने आम कर लिए पासपोर्ट, कलर टेलीविजन, ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फ्रीडम का कायदे अवाम ने दिए। फिर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, हमें मालूम हुआ कि लोगों को 20-20 साल टेलीफोन के लिए इंतजार करना पड़ता है। आप लोग सोचे 1988 में कि 20-20 साल का टेलीफोन के लिए इंतजार करना पड़ता था, और 13-13 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, और हम कहते थे कि लोग कैसे कमाएंगे, दुकान कैसे चलाएंगे, कारोबार कैसे चलाएंगे, कि एक टेलीफोन आप नहीं रख सकते, बिजली नहीं हो सकता है, कौन सा कारोबार चलेगा, और खाली सरकारी तबके से तो मईशत भरती तो नहीं है, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो फिर हमने कहा कि हमें हर एक को टेलीफोन्स देने हैं, और हमने पाकिस्तान के अंदर सेल्यूलर टेलीफोन्स, ऑप्टिक फाइबर्स और पावर प्रोजेक्ट्स, ताकि लोड शेडिंग खत्म हो जाए, और फिर ये सब बिजनेसेस, रेस्टोरेंट्स, ड्राई क्लीनर शॉप्स, बेकरीज, बुटीक्स, ये सब फ्लरिश हुए अपने अर्बन एरियाज में, और जॉब क्रिएशन हुआ कि जो MBA के स्टूडेंट्स निकलते थे उनको फटाफट नौकरी मिलती थी। मेरे को कई बार लोगों ने कहा कि मेरा बेटा ग्रेजुएट नहीं हुआ है और उनको MBA की ऑफर, ये नौकरी की ऑफर आ गई है। तो इतना इकोनॉमी प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, डिसेंट्रलाइजेशन से भर रहा था जो पीपल्स पार्टी ने आगाज की, टेलीफोन से, बिजली से, बैंक्स लोन नहीं देते थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछते थे अगर 5 लाख से ज्यादा का लोन था। तो इस सब काम हमने कॉमन मैन के लिए किए, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे मुल्क के अंदर तरक्की हो, हम चाहते थे कि कॉमन मैन के लिए मुश्किल आसान हो जाए, और जॉब क्रिएशन से, अपॉर्चुनिटी से, एंटरप्राइज से, एंटरप्रेन्योरशिप से हमने पाकिस्तान के ओपन बॉर्डर्स, ओपन ट्रेड, ओपन फाइनेंस, ओपन कॉमर्स किए, कि आप ईस्ट से आने चाहते हैं या वेस्ट से आने चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर अपना सरमाया ले आए, पाकिस्तान के अंदर सनअतकारी करें, आपका मुल्क का भी फायदा होगा, हमारे मुल्क का भी फायदा होगा, हमारे नौजवानों का फायदा होगा। सेल्यूलर टेलीफोन, सैटेलाइट डिशेस, फैक्स मशीन, जब हम हुकूमत में आए एक फैक्स मशीन ही था दफ्तर में, फैक्स मशीन, इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर्स, ऑल दिस वाज डन बाय द पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट। एंड पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमी थी जिधर हमने $1 अरब वापस दिए, हर इंसान का पैसा बैंकों में महफूज था, और हर इंसान की नौकरी महफूज थी, और नई नौकरियां मिल रही थी, मुल्क के अंदर इस्तेहकाम था, कोई खौफ नहीं था, लोग पुर एतमाद थे, दुनिया में जानते थे तो सर बुलंद करके जाते थे। मगर आज पाकिस्तान के अंदर कोई चीज महफूज नहीं, ना जान महफूज, ना नौकरी महफूज, ना रोटी महफूज, ना पैसा महफूज। और जो पैसों के साथ हुआ कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज देते हैं कि आप डॉलर अकाउंट्स खोलें, लोग मेहनत करते हैं और अपने मेहनत का पैसा बैंकों में डालते हैं क्योंकि हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी है कि पैसा महफूज होगा, और फिर आप पैसे को मुंजमन कर लेते हैं और अपना पैसा रात को निकालते हैं, और जब लोग आपका FIA चीफ कहता है कि पैसा क्यों जा रहा है तो उसको नौकरी से निकाल देते हैं। इससे पाकिस्तानियों को दुख हुआ, नहीं तो अगर नवाज शरीफ अपील करता, मैं तो कहती हूं कि ये कम अकल लोग हैं कि अपने अवाम पर एतमाद नहीं करते। अगर 28 मई को वो अपील करते
कि आप पैसा मत हटाएं, मैं आपको बता रही हूं कोई पाकिस्तानी नहीं हटाता। इतना उस वक्त मुहब्बे वतनी का जज्बा था, कोई भी नहीं हटाता। या फिर उनको कहता कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, लोग जिधर इंटरेस्ट रेट ऊपर है उधर ही करते हैं, यहाँ के मार्केट के अंदर जब चाहते हैं कि लोग खरीदें तो इंटरेस्ट रेट रो करते हैं, जब चाहते हैं कि पैसा नहीं खर्च करें इंटरेस्ट रेट को ऊपर लगा देते हैं। तो ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं, मगर क्योंकि उन लोगों ने लोगों का पैसा छीना तो एक लोग सोचे कि हम पर एतमाद नहीं करते। क्या हम पाकिस्तानी नहीं कि हुकूमत यह सोचती है कि हम अपने वतन के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं? और दूसरा लोगों को जो धचका हुआ वो ये था कि अगर आप हमसे ले रहे हैं तो पहले आपको खुद कुर्बानी देनी चाहिए। मगर ये कौन सी कुर्बानी जिधर आज सब लोगों का पैसा ले रहे हैं और अपना पैसा निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये कुर्बानी नहीं, ये लूट। और जब नवाज शरीफ आता है तो लूटता है। पहले उसने जाकर के पंजाब के अंदर कोऑपरेटिव्स जितने थे, ताज कंपनीज जितने थे, उनके पैसे खा गए। अभी उसने जाकर के 14 अरब डॉलर पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानीज और डोमेस्टिक पाकिस्तानीज की हार्ड अर्न सेविंग्स खा लिए। उसने हबीब बैंक और मेहरान बैंक के अरबों रुपये खा लिए और फिर लंदन गया और उधर अल तौफीक का पैसा भी खाने चाहता था। पाकिस्तान में अब तक किसी ने उसको सजा नहीं दी सबके पैसे खाने के लिए, मगर अभी देखने की बात है कि जो अल तौफीक ने इसके ऊपर किया कि इसको भी खा सकता है कि नहीं। मगर ये उनकी मेंटालिटी है, वो देने वाले लोग नहीं, वो लेने वाले लोग हैं। और आज मैं यहाँ आपके पास फ्लोरिडा आई हूं आपको कहने के लिए कि इस वक्त हर पाकिस्तानी को मुनज़्ज़म होना चाहिए और मुत्तहिद होना चाहिए अपने वतन को बचाने के लिए, अपने अवाम को बचाने के लिए, अपने वतन की यकजहती को बचाने के लिए। नवाज शरीफ पाकिस्तान को यूगोस्लाविया जैसे टुकड़ा टुकड़ा करने चाहता है और कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि हमारे अजीम मुल्क को नवाज शरीफ के पॉलिसीज के वजह से कोई खतरा पहुंचे। इसलिए हम सबको मुत्तहिद हो जाना चाहिए। सर्बियन लीडर ने जिस तरीके से सबसे लड़ा, नवाज शरीफ ने उसी तरीके के पॉलिसीज इख्तियार करने की कोशिश की। मुहाजराई बॉस्निया खत्म होता तो अल्बेनिया खोल देता है, कोसोवो खोल देता है। तो नवाज शरीफ ने एक वक्त कहा कि मैं मुहाज अराई का पैदावार है। तो वो मुल्क के अंदर हीलिंग नहीं चाहता, यूनिटी नहीं चाहता, बेटरमेंट नहीं चाहता। वो समझता है कि झगड़ा हो, लड़ाई हो, खौफ हो, तो फिर मुहाज अराई से उसकी रियासत रहेगी। और जब वो हकूमत में है मुल्क सकून में नहीं है। वैसे मुझे ये कहना नहीं चाहिए मगर आप देखें कि कितना बदनसीब आदमी कि जब से वो आया, जिलजिला हुआ, ट्रेन का हादसा हुआ, मीना के अंदर आग लग गई, अभी सिंध के अंदर साइक्लोन आ गया। तो ये जो आदमी है इसने पूरे पाकिस्तान के इदारों को यरगमाल करने की कोशिश की है और अपने जाती मुफादात के तहत सबॉर्डिनेट करने की कोशिश की है। और आज वो पाकिस्तान के लिए एक खतरा खुद मौजूद है, वो और उसकी हकूमत। और इसलिए मैं चाहती हूं कि सब पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं अपने वतन को बचाने के लिए, वो यहाँ के जो पब्लिक लीडर्स हैं, आपके अपने कांग्रेसमैन हैं, सेनेटर्स हैं, उनको खत लिखें और उनको आगाह करें, क्योंकि ये नवाज शरीफ को पैसे दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF के थ्रू जितने पैसे इसको मिल रहे हैं, मैंने अभी एक स्पीच की थी वॉशिंगटन में, मैंने कहाँ गए ये पैसे? $5 अरब आपने दिए हैं, मैंने कहाँ गए ये पैसे? नवाज शरीफ की हुकूमत तो तवील हो गई, मगर मेरे मुल्क के अंदर जरा आंख रखें। हर 12 घंटे एक आदमी खुदकुशी कर रहा है। 1947 के अंदर ये हालत सूरत हाल नहीं थी। 1947 में जब लोग बेघर हो गए थे और उनके कत्ल हुए थे और वो पाकिस्तान पहुंचे थे, फिर भी खुदकुशी नहीं होती थी। मगर अभी लोग खुदकुशी कर रहे हैं बिकॉज दे कांट अफोर्ड टू लिव। तो आप सोचें कि कितनी सीरियस सूरत हाल है। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी ऑफ ट्रैक हुई है, उसको वापस ऑन ट्रैक ले आने चाहिए। ये भी हम जानते हैं कि हमसे भी गलतियां हुई और कोई लोग कहते हैं कि ये हमारा तासुर था, यू शुड हैव टेकन अस सीरियसली, वी एक्नॉलेज वी मेड द मिस्टेक्स। और हम कहते हैं बट पीपल्स पार्टी इज योर पार्टी। अगर पीपल्स पार्टी से आप डिसअपॉइंटेड हुए हैं, आप पीपल्स पार्टी में वापस आए, आप पीपल्स पार्टी को रिफॉर्म करें, आप पीपल्स पार्टी को रिस्ट्रक्चर करें, आप पीपल्स पार्टी को इम्प्रूव करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी 30 साल के लिए वाहिद जमात है जो एक लिबरल मॉडर्न मॉडरेट पाकिस्तान की अलामत है, एक प्रो पीपल प्रो सोशल एक्शन की अलामत है। और पीपल्स पार्टी को आप सबकी दुआओं की, आप सबकी मदद की जरूरत है।
और मैं एक बार फिर मिठा साहब का शुक्रिया अदा करूंगी कि मुझे ये मौका फ्राहम किया, और खास तौर पर मेरे बहनों का शुक्रिया, क्योंकि भाई तो फिर मिलते रहते हैं मगर अभी जो बहन भी आ गए हैं इतने बड़े तादाद में, ये बहुत एक अच्छा सा निशान है। थैंक यू सो मच।